हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बैट को नॉक क्यों किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। आप सभी ने मैच में देखा होगा, कोई बैट्समैन हल्के से बॉल को टाइम करता है और बॉल पूरी फोर्स के साथ, फुल स्पीड के साथ बाउंड्री तक चले जाती है। कभी कभी अच्छा हल्के से फ्लिक शॉट टाइम करते हैं और ये सीधा सिक्स के बाहर चली जाती है। और सेम कभी कभी कोई बैट्समैन या फिर कोई बॉलर जब बैटिंग करने आते हैं तो वो बॉल को पूरी पावर से हिट करते हैं, ताकत से मारते हैं, तो भी उनकी बॉल बाउंड्री के पार नहीं जा पाती। ऐसा क्यों होता है? इसकी खास वजह होती है बैट का स्ट्रोक। अगर आपके आपका बैट अच्छे तरह से नॉक हुआ है, उसका जो स्ट्रोक है काफी अच्छा होगा। अब बैट में स्ट्रोक कैसे लाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है आरओ टैलेंट चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बैट का स्ट्रोक और बैट को नॉक क्यों किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम बैट को नॉक नहीं करते और अगर हम न्यू बैट के साथ खेलते हैं तो उसका क्या हाल होता है। ये जो बैट होते हैं, लेदर क्रिकेट बॉल बैट खासकर, ये काफी महंगे होते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी या फिर अच्छी क्वालिटी का बैट लेने जाएंगे, कोई आप इंग्लिश विलो या कश्मीरी विलो का बैट लेने जाएंगे तो मिनिमम 2000-2500 से इसकी कॉस्ट शुरू होती है एक अच्छे बैट की। और आप इतना महंगा बैट अगर बिना नॉक करके खेलते हैं तो बैट काफी जल्दी खराब होने की चांसेस रहते हैं। मैं आपको एक पुराना बैट मेरा दिखाना चाहूंगा जिसको विदाउट नॉकिंग यूज किया गया था। ये देखिए, इसमें एजेस में विदाउट नॉकिंग जब मैंने यूज किया तो इसका एजेस इस तरह से टूटने लगे और इधर पे भी आप देख सकते हैं क्रैक आ गया। ये दूसरा बैट है जिसको भी कम नॉकिंग, सिर्फ एक दिन के नॉकिंग पे यूज किया मैंने, नॉकिंग कम हुई थी, इस वजह से इसमें यहां पे क्रैक आ गया। इसको हमने रिपेयर किया है, यहां से क्रैक आ गया, बैट फटने लगा था। तो हमारे ये महंगे लेदर क्रिकेट बैट को खराब होने से बचाने के लिए और इसमें एक अच्छा स्ट्रोक लाने के लिए नॉकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप नया बैट लेते हैं, मेरे पास एक नया बैट है क्लैप का, जब भी आप एक नया बैट लेते हो तो जो विलो होती है, विलो लकड़ी, इसके बीच में एक स्पेस होता है, एयर भरी होती है। जब आप नॉक करते हैं इसके, नॉक करने से जो स्पेस होती है वो प्रेस होती है लकड़ी की, और जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में अच्छे से बॉन्डिंग होती है और बैट आपका स्ट्रांग और मजबूत बनता है। और उससे जब आप खेलते हो तो उसमें स्ट्रोक भी काफी अच्छा आता है। अब बात आती है कि इसको नॉकिंग कैसे की जानी चाहिए। नॉकिंग आप बॉल से भी कर सकते हो, जैसे कि बॉल है इससे भी कर सकते हो। बेटर होगा कि आप थोड़ा यूज हुई बॉल, जो पुरानी बॉल होगी, अगर उससे नॉक करेंगे तो ये बेहतर होगा। नॉकिंग को डायरेक्ट इस तरह नहीं करना है, नॉकिंग कैसे धीरे धीरे बॉल को इस डायरेक्शन में आपको नॉकिंग करनी है और इसको हमेशा धीरे धीरे करनी। जब आप नया बैट लें तो सबसे पहले इसको नॉकिंग कर लें ताकि बैट आपका मजबूत हो और स्ट्रांग हो जाए। और आपको सब, अगर आप नॉकिंग करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक पेंसिल से मार्क बना लें, एक पेंसिल से लाइन खींच लें, इतना एरिया आप पहले मार्क करें ताकि अच्छे तरह से पूरा बैट आपका नॉक हो और इस तरह से आप नॉकिंग करते जाए। जब ये पेंसिल से इतना एरिया आपका पूरा नॉक हो गया, आप कंफर्म हो जाए, तब आप मार्क को दूसरा मार्क लगा सकते हैं यहां से और इतने एरिया को आप नॉक करना चालू कर सकते हैं इस तरह से। फिर इस मार्क को ऊपर बढ़ा के यहां तक, इस तरह आपको पूरा बैट नॉक करना है। और नॉकिंग करते समय आपको खास बात ध्यान रखनी एजेस की, एजेस को भी आपको नॉक करना है। जब आप नया बैट लेते हैं तो काफी शार्प होता है ये बैट को, हमारे मेरे इस बैट को मेरे एक स्टूडेंट्स ने खरीदा 3 दिन पहले, 3 दिन से नॉकिंग कर रहा है और उसने उसके एजेस को काफी अच्छे तरह से नॉक कर दिया है। तो जिससे जो जब हम न्यू बैट लेते हैं इसका एज काफी शार्प होता है और जब इसमें न्यू बॉल लगती है इस तरह से तो बैट के फटने के काफी चांसेस रहते हैं, जैसा कि इस बैट के साथ हुआ था। आप नॉकिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक पुरानी बॉल से अगर नॉकिंग करें तो अच्छा है, या फिर दूसरा आप इस तरह का एक हैमर आता है लकड़ी का हैमर, आप इससे भी नॉकिंग कर सकते हैं। और नॉकिंग आपको इससे भी इसी डायरेक्शन में करनी है, धीरे 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 इससे आपको नॉकिंग करनी है। आप एक एरिया अपना मार्क कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको
इस तरह से मार्क करके जब वो एरिया पूरा हो जाए तो ऊपर के एरिया में पूरा नॉकिंग करना है। खासकर एजेस में भी आपको प्रॉपर नॉकिंग करनी है। जब ये बैट पूरा नॉक हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रोक कैसा आता है। अभी आप इसके साउंड से पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना स्ट्रोक आया है बैट में। ये देखिए, अभी यही बॉल इसी सेम बैट के अगर इस पार्ट में गिरेगी तो अलग आवाज है। अभी यहां पे हम गिराएंगे तो यहां पे कम नॉक हुआ है, इसका साउंड जो है कुछ अलग ही होगा। यहां पे काफी अच्छा नॉक हो चुका है तो बॉल भी काफी अच्छी फ्लाइट हो रही है इसके से, देख सकते हैं आप। और साउंड भी कितना अच्छा आ रहा है। और हम जरा सा ऊपर जहां पे कम नॉक हुआ है वहां पे करेंगे तो बॉल में फोर्स उतना नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए, जितना यहां से आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये इम्पोर्टेंस होती है बैट को नॉक करने के लिए। आप चाहें तो एक पुराना सॉक्स ले सकते हैं, उसके अंदर बॉल को डाल के इस तरह से भी नॉकिंग कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप एक बॉल को हैंग कर सकते हैं और हैंग करके इसको इस तरह से नॉक कर सकते हैं। इसको अभी हमारे आरव दिखाने वाले किस तरह से उन्होंने अपने बैट को नॉक किया था। आरव, यू जस्ट स्टार्ट नॉकिंग, नॉक कर सकते हैं। इससे आपका बॉल के ऊपर फोकस भी बढ़ेगा और आपका बैट अच्छे तरह से नॉक होता रहेगा। आप बैट को एक बॉल लेके इस तरह से भी नॉक कर सकते हैं। इससे बॉल के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा और आपका बैट भी खेलने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। नॉक किए हुए बैट से जब आप मैच में खेलेंगे, यूज करेंगे, तो काफी अच्छा स्ट्रोक इससे जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉकिंग। नॉक करने से आपका बैट जो इसकी लाइफ बढ़ेगी और इसमें स्ट्रोक काफी अच्छा आ जाएगा। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।